सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दो लोग झगड़ा कर रहे थे। रावी कहते हैं, इस्तब रजुलानी इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इंदहु जुलूस वकद यसुब्बु अहदुना साहिबहु मुग़ज़िबन قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم। रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दो लोग झगड़ा कर रहे थे, उनमें से दो में से एक आदमी अपने साथी को गाली गलौज दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, बुरा भला कह रहा था, और उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख था गुस्से से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंज़र देखकर फरमाते हैं कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ, एक ऐसा लफ्ज़ जानता हूँ कि अगर ये इंसान, ये गुस्से वाला इंसान उस लफ्ज़ को दोहरा दे, पढ़ ले, तो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ काला आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर ये इंसान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता है तो इसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि अगर हम गुस्से की हालत में हों तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, इससे हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है।